हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चक दे विद नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो जो कि एचआरए के ऊपर था उसमें हमने बताया था, जो कि वीडियो पूरी तरह से हमने क्लरिकल और सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए बनाया था, उसमें बताया था कि एचआरए कितना रहा 11th पेपर टैक्स सेटलमेंट में, यानी कि अभी आपको कितना मिलता है, और 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट में एचआरए से रिलेटेड कितनी डिमांड है, क्या क्या डिमांड है, जैसे कि लीज फैसिलिटी, जैसे कि बिना बिल रिसीप्ट के 150% एचआरए, और भी बहुत कुछ हमने इस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये थंबनेल जो आपकी नज़रों के सामने अभी है ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो का है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और हमारा चैनल 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट को पूरी तरह से कवर कर रहा है। इसके अलावा हम बैंक एम्प्लॉयज़ के सभी मुद्दों को कवर करते हैं। तो आपको ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम वापस आते हैं आज के वीडियो पर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्लरिकल और सबॉर्डिनेट स्टाफ यानी कि वर्कमैन यूनियन का जो बायपार्टाइट सेटलमेंट 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट था उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है और क्या रूल है। उसके बाद हम बताएंगे कि 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट में क्या डिमांड है, क्या अपडेशन होने वाला है, क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो आप देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन पार्शियल मोडिफिकेशन ऑफ क्लॉज 10 ऑफ बायपार्टाइट सेटलमेंट डेटेड 25th of May 2015 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of November 2017 ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल बी पेड एज अंडर और क्लरिकल एंड सबॉर्डिनेट स्टाफ ₹600 पर मंथ विद एप्लीकेबल DA देयर ऑन। यानी कि 1 नवंबर 2017 जब 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट जब से लागू हुआ तब से सभी क्लरिकल स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ को ₹600 पर मंथ और उसके ऊपर जो भी DA एप्लीकेबल होगा वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। नोट, द ट्रांसपोर्ट अलाउंस विद एप्लीकेबल DA देयर ऑन शैल नॉट बी रिनोव्ड फॉर द सुपरएनुएशन बेनिफिट्स दैट इज पेंशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, PF एंड ग्रेचुटी। यानी कि जितने भी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो NPS का ले लें, चाहे PF का ले लें, चाहे ग्रेचुटी का ले लें, उसमें इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दिस प्रोविजन बाई इटसेल्फ विल नॉट बी प्रीक्लूड द पेमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग अलाउंस ऑफ दिस नेचर पेड एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस बैंक लेवल सेटलमेंट। तो बैंक में अगर कुछ और पेमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में तो उसको ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली उसको कम नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या उम्मीदें हैं बैंक यूनियन की, क्या उसने रखा है IBA के सामने 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट के लिए। अब हम आते हैं 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट के चार्टर ऑफ डिमांड की डिमांड पर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस से रिलेटेड क्या डिमांड है? सो फर्स्ट डिमांड इज रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फॉर दोज हु ओन व्हीकल। कुछ बैंकों में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है लेकिन यहाँ क्लियर कट डिमांड है कि सारे बैंकों में ये लागू किया जाए, यानी कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है जिन लोगों के पास अपने खुद के व्हीकल हैं, चाहे वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो, उसका रीइंबर्समेंट किया जाए। तो अच्छी डिमांड है, हालांकि मोस्टली बैंकों में ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग द बैटरी टू बी रीइंबर्स्ड। ये अच्छी डिमांड है क्योंकि आज का युग है जब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, बहुत से लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद रहे हैं और उसमें बैटरी की चेंज होती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उसमें बहुत ही बड़ी कॉस्ट होती है बैटरीज की। तो यहाँ पे एक अच्छी डिमांड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जब भी बैटरी चेंज हो उसकी कॉस्ट बैंक को बहन करनी होगी, ऐसा डिमांड है। एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी एडिक्वेटली एनहेंस्ड। अभी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उसमें बढ़ावे के लिए कहा गया है, लेकिन ये जो पॉइंट है एक बार फिर से यूनियन यहाँ मात खाई है, आपको क्लियर कट मेंशन करना था कि कितना चाहते हैं आप, कितना करना चाहते हैं। जैसे 600 की जगह आप 1200 चाहते हैं, 1800 चाहते हैं, 2400 चाहते हैं, मतलब जो भी चाहते हैं, जो भी इन्फ्लेशन हुआ है, जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना बढ़ना चाहिए क्लियर कट कहना था। यहाँ पे ये डिले को बढ़ावा देगा, यानी कि क्योंकि आपने क्लियर कट स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस चाहिए, तो फिर एक मीटिंग तो इसी बात के लिए हो जाएगी कि आपको कितना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी पेड टू फिजिकली चैलेंज डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो सरकारी विभागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में फिजिकली चैलेंज्ड और डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उसी के हिसाब से उसको बैंकों में लागू करने की डिमांड है। एक अच्छी डिमांड है जो कि होना भी चाहिए। हमारे साथी जो कि असहाय हैं कुछ चीज़ों की वजह से, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये था 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट
और ट्वेल्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो डिमांड है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लेकर, अगर आप चाहते हैं कि ट्वेल्थ बीपीएस के पूरे अपडेट आपको मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।